स्वागत है डीएस इन्फॉर्मेशन में। आज मैं बताने जा रहा हूँ डिजाइन ऑफ स्टेयर, स्टेयर का डिजाइन कैसे करें। पिछला वीडियो मैंने बताया था स्टेप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, राइजर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, विड्थ ऑफ स्टेयर क्या होता है, पूरा डिटेल में बताया था। आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यू शेप स्टेयर के बारे में मैं बताऊंगा कि कितना कम से कम स्पेस आपको चाहिए स्टेयर बनाने के लिए। जब आप स्टेयर बनाते हैं तो कम से कम कितना स्पेस होना चाहिए ये आपको मालूम चल जाएगा वीडियो लास्ट तक अगर आप देखेंगे। तो लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, घर का प्लानिंग करते हैं, लेकिन स्टेयर पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ये वीडियो आप देखें और आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगर आप यू शेप स्टेयर बनाना चाहते हैं तो कितना स्पेस छोड़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि जरूरत क्या होता है जब स्टेयर का कैलकुलेशन करते हैं, स्टेयर बनाते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया हूं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में बताऊंगा कि राइजर ट्रेड विड्थ ऑफ स्टेयर और स्लैब हाइट ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब राइजर क्या होता है थोड़ा इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जो ये जो है ना हाइट, यानी कि जो राइजर एक पैर रख के जिसपे हम चढ़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा ऐसे समझिए ये इस तरह से, ये जो हाइट इसका जो है ये इसको बोलते हैं राइजर, यानी कि कितना हाइट रखेंगे इसको राइजर। तो ये हाइट कितना रखेंगे हम मिनिमम बताएंगे आपको, मिनिमम कितना हाइट रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसका स्पेस कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कितना स्पेस रखेगा। तो ये राइजर यानी कि ये जो है आपका राइजर का हाइट कितना रखना चाहिए। और दूसरी बात ये यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस शो करता है जिस पे हम अपन पैर रखकर चढ़ते हैं स्टेयर पे, ये होता है टी, ये आपका टी यानी कि ब्लैक ये वाला पट्टी जो आपका टी हो गया, थोड़ा आप इसमें समझिए, ये टी टी जिसपे पैर रख कर ऊपर चढ़ते हैं ये ओके। ट्रेड समझ गए, राइजर समझ गए, विड्थ ऑफ स्टेयर यानी स्टेयर का चौड़ाई कितना रखे, कम से कम आपको कम से कम रखना है 3 फुट, कम से कम 2 आदमी एक साथ आ जा सके स्टेयर पे उतर जा सके। वैसे में कहीं कहीं 2.5 फीट बनाया जाता है, 3 फीट से भी ज्यादा बनाया जा सकता है। तो ये आपके स्पेस पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम आप जब घर बनाते हैं कंफर्टेबल स्टेयर बनाना चाहते हैं तो हाइट ऑफ विड्थ ऑफ स्टेयर 3 फीट रखें, ये आप ध्यान दीजिएगा। और टेड जो रखें जिसपे पैर रख के चढ़ते हैं आप, कम से कम आपको 10 इंच रखना है और राइजर का हाइट आपका 6 इंच रखना है। यानी कि ये जो राइजर का हाइट है आप समझिए, जो टप्पा बनता है ये टप्पा जिसे, तो ये अगर 6 इंच रखते हैं तो ये कंफर्टेबल होगा, आपको चढ़ने में स्टेयर पे परेशानी नहीं होगा। जब स्पेस कम रहता है ना तो क्या करते हैं, ये 7 इंच भी रखा जा सकता है। तो अगर इसका रेंज मैं बता दूं तो 6 इंच से लेकर के 7 इंच रख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट है आपको 6 इंच रखें। कहीं कहीं आप जो मॉल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये राइजर 5 इंच का मिलेगा, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस में जब जहां पब्लिक प्लेस हो वहां 5 इंच और हाइट को कम कर दिया जाता है ताकि चढ़ने में और आसानी हो सके। जब आप घर बनाते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग तो आपको 6 इंच रखना है, समझ में आया। और देखिये स्लैब का हाइट यानी कि छत का हाइट, जब आप घर बनाते हैं, मान लीजिए ये घर है तो ग्राउंड फ्लोर का ये हाइट कितना होना चाहिए आप कम आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मिनिमम आप 10 फीट 10.5 फीट रख सकते हैं। तो हम जो बताए हैं 10.5 फीट पे कैलकुलेट करके बताया कि 10.5 फीट आप रख सकते हैं। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ राइजर कितना होगा, एक्चुअली में ये कितने होंगे। तो आपको मैं एक थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये आपका ये सेक्शन है ओके, बीच में हमने लैंडिंग प्रोवाइड किया, यू शेप मैंने बताया कि आप यहाँ से चढ़ेंगे लैंडिंग ठहराव पे आएंगे फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो ये कितना होगा यही आपको जानना होता है। इधर से देखिए आप इधर से चल रहे हैं तो यही कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए हमने आपको बताया कि जो हाइट स्लैब का हाइट है आपको 10 फीट 6 इंच रखना है। ये टोटल हाइट से टोटल हाइट में अगर हम डिवाइड कर दे एक राइजर का हाइट, देखिए ये वर्टिकल हाइट शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है वर्टिकल हाइट, यानी कि टोटल हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है उसमें से अगर हम इसका डिवाइड कर देते हैं एक हाइट का, तो टोटल नंबर ऑफ ए राइजर हमको मालूम चल जाएगा, समझे। ये लैंडिंग है, ये लैंडिंग प्रोवाइड किया हूँ, लैंडिंग ये लैंडिंग है ओके। अब चलिए थोड़ा आप समझिए
इसको दो फ्लाइट में हम डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए, ये फ्लाइट वन लैंडिंग ठहराव प्रोवाइड किए हैं और ये फ्लाइट टू। तो चलिए अब देखिए, हाइट 10 फीट 6 इंच, तो आधा ना करके हम हाफ ना करके दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट है ये है 5 फीट, और ये ऊपर वाला जो हाइट है ये जो बच रहा है ये 5 फीट 6 इंच, समझ रहे हैं, ये ऊपर वाला 5 फीट 6 इंच टोटल, यानी कि 5 फीट और 5 फीट 6 इंच आपका 10 फीट 6 इंच टोटल हो गया। इस तरह से मैं डिजाइन किया हूं। देखिए फ्लाइट वन और फ्लाइट टू में चलते हैं। देखिए फ्लाइट वन नंबर ऑफ ए राइजर, यानी कि फ्लाइट वन जो है अभी आपने देखा, थोड़ा समझिए इसमें समझने वाली बात है। फ्लाइट वन में नंबर ऑफ ए आर, यानी कि आर ये कितना होगा और ये जो टी देख रहे हैं ये टी कैसे निकलेगा, ये कैसे, तो एक फॉर्मूला होता है, बस आपको कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ ए राइजर यानी इक्वल टू फ्लाइट वन में हाइट ऑफ ए लैंडिंग, यानी कि लैंडिंग का हाइट कितना है, आप ध्यान दीजिए, हाइट ऑफ ए लैंडिंग 5 फीट है, तो हाइट ऑफ ए लैंडिंग यहां लिख देते हैं आप, हाइट ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग लिख सकते हैं, हाइट ऑफ लैंडिंग यानी 5 डिवाइडेड बाय 0.5 किसे हो गया, 6 इंच है, तो आप जानिए कि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 6 इंच हमने बोला कि आपका इसका राइजर का हाइट कितना रखना है, 6 इंच, तो 6 अगर हम यहाँ आपको डिवाइड करके दिखाते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये फुट में चेंज हो जाएगा, यानी 0.5, इसलिए 0.5 हो रहा है, तो ये 0.5 यानी 10 नंबर। देखिए अब क्या होता है, r इक्वल टू निकाल लिए 10 नंबर, r इक्वल टू कितना 10 नंबर, t कैसे निकालेंगे, जो ये आपका t है ये t निकालेंगे, r माइनस 1 होता है ये 9 नंबर, थोड़ा ध्यान दीजिए 9 नंबर। ओके अब सेकेंड फ्लाइट में चलते हैं, सेम उसी तरह आपका सेकेंड फ्लाइट का हाइट कितना है, 5 फीट 6 इंच, यहां से ध्यान दीजिए 5 फीट 6 इंच है, तो 5 फीट 6 इंच यानी कि 5.5 डिवाइडेड बाय 0.5 यानी 11 नंबर, तो 11 नंबर हो गया। ओके तो t इक्वल टू 11 माइनस 1, r माइनस 1 होता है ये 10 नंबर, तो r इक्वल टू 11 और t इक्वल टू 1 फ्लाइट 1 में। अब यहां लिख देते हैं r इज t इक्वल टू कितना है फ्लाइट 1 में, आपका t इक्वल टू 9 नंबर, तो यहां से 9 नंबर लिख दीजिए और ये 10 यहां 10 आया है तो 10 लिख दीजिए। ओके और इसमें कितना है, t इक्वल टू आपका 10 नंबर और r इक्वल टू 11 नंबर। अब देखिए अब आप ये वर्टिकल हाइट को मेंटेन कर लिए, अब क्या करना है, इसको कितना स्पेस चाहिए अभी ये रखना है आपको, तो मैंने बताया कि फ्लाइट जो टी है होरिजेंटल डिस्टेंस को शो करता है, देखिए ये होरिजेंटल डिस्टेंस, तो ये आप टी कितना रखें, एक टी का, देखिए जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं टी की ओर, तो ये आपका एरिया इधर बढ़ रहा है, यानी कि ये वाला स्पेस ऐसे ऐसे जा रहे हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये कितना टोटल कितना है आपका 9 नंबर, तो यानी कि एक जो है आपका, ये जो एक है आपका कितना का 10 इंच का, तो यानी टी यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए यहां तक की दूरी आपका 9 × 10 यानी कि 90 इंच हो जाएगा, ध्यान दीजिए, और इधर का यानी 10 × 10 है यानी कि ये पास 100 इंच हो जाएगा, तो हम आपको ये 100 इंच हो जाएगा, ये आपका देखिए, तो ये यहां से यहां तक 100 इंच हो गया, अब ध्यान दीजिए ये आपका क्या होगा 100 इंच हो गया, और ये कितना हो जाएगा, हमने बताया कि लैंडिंग का जितना विड्थ कितना रखते हैं, विड्थ ऑफ स्टीयर के बराबर, जो विड्थ ऑफ स्टीयर जितना रहेगा उतना ही लैंडिंग का विड्थ आपको रखना है, तो ये आपका 3 फीट है, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये भी 3 फीट, यानी कि हम इंच में बात करें तो 36 इंच हो जाएगा। ओके तो ये हम प्लस कर देंगे तो ये आपको एरिया मिल जाएगा, यहां से यहां तक देखिए ये मिल जाएगा। ओके अब देखिए ये कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, तो ये 3 फीट, ये 3 फीट, अगर स्पेस नहीं देते हैं तो दोनों फ्लाइट के बीच में अगर स्पेस नहीं देते हैं तो 3 फीट ये 3 फीट आपका 6 फीट, तो मिनिमम हम बता रहे हैं, तो इसलिए हम इस पे स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये दूरी हम 6 फीट रख रहे हैं, अगर आप स्पेस प्रोवाइड करते हैं, अगर स्पेस ज्यादा है 1 फीट या 2 फीट यहाँ छोड़ते हैं तो ये 8 फीट हो जाएगा या 7 फीट हो जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब घर बनाते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, तो ये दोनों फ्लाइट के बीच में स्पेस छोड़िए ताकि टर्निंग में जो एसएस रेलिंग लगाते हैं, तो एसएस रेलिंग लगाते हैं या कुछ भी मटेरियल का रेलिंग लगाते हैं तो ये प्रोवाइड करने में सहूलियत होता है, स्पेस छोड़ सकते हैं। ओके चलिए हम एरिया कैलकुलेट किए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए टोटल लेंथ आपको निकाले हैं ये आपका 10
राइजर था यहाँ वाला, ये वाला एरिया आपको जैसे आप निकाल लिए, देखिए ये 10x10 किए हुआ है और 10 इंच प्लस 3x12 इंच, यहाँ देखिए 10x10 3x12 इंच, यानी कि टोटल हो गया आपका 136 इंच, ये जोड़ेंगे तो 136 इंच आ गया, लेंथ निकल गया। उस ये डिवाइड कर दिए तो 11.33 आपका फीट में हो गया, ये फीट में हो गया। एरिया क्या हो गया अपन 6 फीट, हमने मैंने बताया कि ये 6 फीट हो गया, इसी तरह 6 फीट ये, और ये आपका 11.33 यानी कि हो गया 67.98 यानी 68 स्क्वायर फीट। आपको एरिया कितना जरूरत होगा एरिया घर बनाने के लिए 68 स्क्वायर फीट। अगर आप घर बनाते हैं 68 स्क्वायर फीट छोड़िए स्टीयर के लिए, अगर इतना छोड़ते हैं तो आपको आसानी पूर्वक स्टीयर बन जाएगा, यानी 6 फीट बाई में 11 फीट 11.33 फीट आपको एरिया छोड़ना पड़ेगा। ओके, अगर आप सबका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्टीयर कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहां से जाकर और सारे वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा कि आई शेप स्टीयर कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्लाइट, तो उसमें एकदम सिंपल रहता है, कुछ आइडिया मैं दे देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उस पर लाने वाला हूँ। डायरेक्ट उसमें कर दिया जाता है नंबर ऑफ ए राइजर, टोटल स्लैब हाइट, जिसे टोटल स्लैब हाइट कर देते हैं, देखिए टोटल स्लैब हाइट यहाँ से कर देंगे और हाइट ऑफ ए राइजर को डिवाइड कर देंगे, तो ये 10.5 11 नंबर, तो T=2 आ जाएगा इसमें 20 नंबर और R=21 नंबर R-1, तो इसी तरह कैलकुलेट करते हैं आपका स्टेट स्टेयर। तो आप चाहें तो स्टेट स्टेयर ऐसे बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मैं वीडियो लाऊंगा अलग से, उसमें और आपको मैं बताऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।